मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए और वृद्धावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में अल्जाइमर का आपने नाम सुना होगा, एक ऐसी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। व्यक्ति बहुत कुछ भूलता रहता है, घर से बाहर निकलेगा कड़ी लगा देगा, ताला लगाना भूल जाएगा, ताला अंदर कुंडी में डाल देगा लेकिन लगाना भूल जाएगा, ताला लगा के निकल गया तो चाबी कहीं रख के भूल जाएगा। इसकी कई घटनाएं घटती रहती और इससे बहुत लोग परेशान होते हैं। तो आइए आज हम स्पेशल प्रयोग करेंगे अल्जाइमर से छुटकारा पाने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए और मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी तकलीफ दूर करने के लिए। कुछ भी हो, अनमनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रैकनेस, पागलपन, कुछ भी हो, हर बीमारी का इलाज। इससे पूरा स्नायुमंडल प्रभावित होता है। बहुत छोटे छोटे प्रयोग है और जिनके बच्चे बच्ची स्कूलों में पढ़ते हैं और जिनके माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल टॉप करे, कॉलेज टॉप करे, स्टेट टॉप करे, अगर वो नियमित प्रयोग करेगा तो 100% रिजल्ट आता है। तो ये पहला प्रयोग मैं बता रहा हूँ स्पेशल। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस तिनोंगुलिया सीधी। ये इतनी पावरफुल मुद्रा है, इसमें कोई समय की सीमा नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना चाहे उतना आप कर सकते हो और कोई भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, कहीं भी कर सकते हो आप। बहुत अच्छी मुद्रा है और ये मुद्रा करने के बाद आपको करना है माँ प्राण ध्वनि। हाँ, तो पहले ये मुद्रा देखिए। अब आप सोचेंगे इस मुद्रा का चमत्कार, कितने लाभ होते हैं, अनगिनत लाभ होते हैं। इसलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान पद्धति में ध्यान करते समय इस मुद्रा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ज्ञान मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा। समझ गए? हाथ इसे आराम से रखिए, ऊपर होना है, उंगलियां नीचे नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट रखिए, सीधी और आराम से बैठिए। तनाव नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए। पहला प्रयोग, 5 प्रयोग बताऊंगा मैं, तो पहला प्रयोग तो हो गया ज्ञान मुद्रा। अब इसी मुद्रा में हमें करना है महाप्राण ध्वनि, ये भी बहुत पावरफुल है। मस्तिष्क में कुछ भी हो, माइग्रेन हो, कुछ भी तकलीफ हो तो इसे निकल जाती है और फिर आंख को कोमलता से बंद करना है, श्वास भरना है और भंवरे की तरह गुंजार करना है, भरे श्वास, भरे श्वास, भरे श्वास, पूरा भरिए जिससे आपकी ध्वनि पूरी लंबी हो सके। लास्ट एक बार हो, मैंने ये ध्वनि आपको 5 बार करवाई है, आप 21 टाइम्स करिए। अब मस्तिष्क में प्रकंपन कैसे होते अनुभव करिए, राइट हैंड लिया है चोटी के स्थान पर, श्वास भरे, आंख बंद कर लें,
आज लिख ले लीजिए। कितने लोगों ने अनुभव किया मस्तिष्क में वाइब्रेशन हो रहा, सबको हो रहा। और जब हम ये ध्वनि करेंगे और वाइब्रेशन यानी प्रकंपनों का जब अनुभव करेंगे और उसके साथ भावना को जोड़ देंगे कि मेरे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे तो फास्ट होने लगते हैं। और अल्जाइमर जैसी बीमारी महीने भर में ठीक हो, आपको आश्चर्य होगा। लेकिन आप लगातार करेंगे तब, हम लोग करते नहीं, यही बड़ी विडंबना है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन फॉलो करने में बहुत टाइम लगता है। तो अल्जाइमर का अद्भुत प्रयोग है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा प्रयोग बता रहा हूँ मैं, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना, कहीं पर भी कर सकते हो, घर में आप कर सकते हो, जब भी समय मिले लंबा गहरा सांस लेना और फिर उसको देखना। आप देखेंगे तो क्या होगा, वर्तमान में जिएंगे, और वर्तमान में जिएंगे तो न भूतकाल की स्मृति होगी न भविष्य की कल्पना, वर्तमान की वास्तविकता है श्वास। यस, हम छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, बाद में आप घर पे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मुद्रा यही लगाएं, ज्ञान मुद्रा, आंख बंद कर लें। मैं डायरेक्ट प्रयोग करवा रहा हूँ, बाकी प्रेक्षा ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, जो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट तक करवाया जाता है, लेकिन मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ। हाँ, श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास छोड़ें। श्वासम ताल व लय पथ चले, पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे प्रत्येक श्वास में उतना ही समय लगे। श्वास की कंपन नाभि तक पहुंचे, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, पेट की मांसपेशियों के फूलने व सिकुड़ने का अनुभव करें, पूर्ण वैज्ञानिक श्वास, कॉलरबोन, रिब्स, डायफ्राम, हंसलियां, हंसली पसलियां व तनुपट, तीनों मांसपेशियों का पूरा उपयोग करें। यदि कोई विकल्प पाते हैं तो उन्हें आने दें, रोकने का प्रयास ना करें, दृष्टा भाव से देखें, केवल दृष्टा भाव से देखना है आपको। या बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग भी कर सकते हैं। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें, अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखें। धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास छोड़ें।
प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। जब श्वास छोड़े तो अनुभव करें विजातीय तत्वों का निष्कासन हो रहा है, टॉक्सिक बाहर निकल रहे हैं, बॉडी का कण कण स्वस्थ हो रहा है। प्रत्येक कोशिका सेल के पास ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, एनर्जी लेवल का अच्छा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है और ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, शरीर के कण कण में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हमेशा स्वस्थ मस्त और प्रसन्न चित्त रहने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अद्भुत प्रयोग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, डीप ब्रीदिंग, सो तालो की एक चाबी, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, अब दोनों हथेलियां आंखों पर के हल्के स्पर्श से मालिक, धीरे धीरे आंखें खोलें भाई, कैसा लगा बोलो। इतना पावरफुल प्रयोग है, मैं अभी आपको छोटे छोटे प्रयोग पैकेज में इसलिए बता रहा हूँ आप अपने जीवन में उतारें। कितनी बीमारियां ऐसे चुटकियों में चली जाती है अनिल भाई, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, थकान नहीं आएगी, पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे।